आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दिल्ली के खेलगांव में बीते दिनों एक होटल कारोबारी ने सुसाइड कर ली, और इस सुसाइड के पीछे का कारण जो उसने बताया सुसाइड नोट में, उसे देखकर उत्तराखंड के सियासी हलकों में, पुलिस कॉरिडोर में तूफान खड़ा हो गया है। क्योंकि उस व्यक्ति ने मरने से पहले सुसाइड नोट में एक आईपीएस अधिकारी का जिक्र किया है और ये कहा है कि यही वो अधिकारी है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहा है। ये उत्तराखंड का आईपीएस अधिकारी कौन है, इस बात को लेकर इस समय उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि अब हर कोई इस आईपीएस का नाम जानना चाहता है, आखिर दिल्ली पुलिस कब खुलासा करेगी। दरअसल 22 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल गांव के सामने एक मकान में होटल मालिक ने आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें पार्टनरशिप के विवाद का जिक्र था। लिखा था कि इस होटल में उत्तराखंड के आईपीएस का हिस्सा है, वो अपने हिस्से की रकम मांग रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए सुसाइड नोट को सील कर दिया है। अब उत्तराखंड कैडर के इस अधिकारी की चर्चा सरकारी महकमे से लेकर शासन तक जोरों में चल रही है। आईपीएस अधिकारी की बात सामने आते ही लोग अपने अपने हिसाब से नामों की चर्चा करने लगे हैं। कोई किसी पुराने विवाद से जोड़कर नाम बता रहा है तो कुछ अलग अलग गुटों का नाम बता रहे हैं। हालांकि पूरी स्थिति दिल्ली पुलिस के जवाब के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। बहरहाल इस मामले में बताया अब ये जा रहा है कि उत्तराखंड पुलिस बहुत जल्द दिल्ली पुलिस को खत लिखने वाली है और ये मांग उठाई जाएगी कि उस आईपीएस अधिकारी का नाम तत्काल उजागर किया जाए ताकि उसके विरुद्ध यहां भी कार्रवाई हो और दिल्ली पुलिस भी अपना एक्शन ले। देखना ये है कि दिल्ली पुलिस कब इस आईपीएस अधिकारी के नाम का खुलासा करती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवर्ट, जय भारत टीवी।